आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत इन्वेंट्री फीचर्स में प्राइस लेबल के साथ काम करना सीखेंगे। प्राइस लेबल या कहें मल्टीपल प्राइस लेबल। प्राइस लेबल क्या होता है पहले समझते हैं। प्राइस लेबल का मतलब होता है कि हम अलग अलग लेबल के कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट डिसाइड करना। जैसे आपकी खुद की बिजनेस है एंड यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स इन योर बिजनेस। आपके बिजनेस में अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आते हैं। जैसे आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप गुड सेल करते हो, किसी डीलर को गुड सेल करते हो या किसी रिटेलर को गुड सेल करते हो, तो ये जो अलग अलग टाइप के कस्टमर को जब आप गुड सप्लाई करते हैं तो उन अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए अलग अलग रेट भी आप स्पेसिफाई करके रखते हो। तो इस तरह की चीज़ें हम टैली में बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। आप उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए, आपकी अपनी दुकान है, आपका कोई पहचान का कस्टमर आपसे सामान खरीदने आता है तो बोलता है भैया आप देख लेना रेट, तो आप क्या बोलते हैं कि ठीक है हम आपको डीपी प्राइस पे देंगे, मतलब डीलर प्राइस पे हम दे रहे हैं। और आप अपने आलमीरा से एक कॉपी निकाल के या एक लिस्ट निकाल के चेक करते हो कि डीपी कॉस्ट कितना है, इसी पे उनको देंगे। तो डीपी कॉस्ट निकाल के देखते हो, देखिए भैया ये डीपी कॉस्ट है, इसी पे हम आपको सेल कर रहे हैं। तो ये जो प्राइसिंग लिस्ट है, प्राइसिंग का जो लिस्टिंग आप तैयार करोगे, और बार बार आप तो अगर मैनुअल तो एंट्री कर नहीं रहोगे, कॉपी निकाल के बार बार चेक करके देखोगे। सो आप टैली में प्राइस लेबल मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ कस्टमर्स एंड प्राइस लिस्ट मतलब हर आइटम्स का एक लिस्ट जिसमें प्राइसेस डिटेल्स आप मेंशन कर देंगे, और उसके बाद आप कस्टमर के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे सिर्फ आप कस्टमर के लेबल को सेलेक्ट करेंगे और उस आइटम्स को चुनने के बाद वो प्राइस अपने आप आपके वाउचर स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, जिससे कि आपको ना कभी पेज पलटने की ज़रूरत है ना याद रखने की ज़रूरत है। तो मल्टीपल प्राइस लेबल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जिसमें हम एक से ज़्यादा लेबल के कस्टमर्स के लिए एक से ज़्यादा अलग अलग प्राइस लिस्ट डिसाइड कर सकेंगे और हम फिर एंट्री करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे स्टेप को क्लियर करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फीचर्स में जाएंगे, यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स में आते हैं। इन्वेंट्री फीचर्स में आके यूज़ मल्टीपल प्राइस लेबल को यस करते हैं। यस कर लिया, अब यहाँ पे आपको कस्टमर्स को डिटेल्स देना है। तो मान लीजिए हमने डीलर लिखा, एक रिटेलर दिया और एक आम कस्टमर दिया, जो रेगुलर कस्टमर, डीलर रिटेलर एंड कस्टमर। मैंने ये तीन अलग अलग लेबल डिसाइड कर लिया। अब आते हैं वापस, अब हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे। यहाँ पे आप प्राइस लिस्ट पे आएंगे, क्योंकि लेबल तो आपने डिसाइड कर लिया, अब हर लेबल के कस्टमर के लिए प्राइस लिस्ट डिसाइड कर, ग्रुप वाइज डिसाइड कर लीजिए। चलिए ऑल आइटम चुनते हैं। यहाँ पे हम पहले डीलर के लिए रेट सेट करते हैं, सारे आइटम्स को सेट करते हैं। तो चलिए हम लोगों ने सिर्फ मोबाइल के लिए सेट करते हैं, क्योंकि सारे को सेट करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। जैसे नोकिया लुमिया के लिए ले लिया मान लो हमने। यहाँ पे एक और भी कंडीशन है, क्वान्टिटीज़। आप चाहते हैं कि डीलर को अगर एक पर्टिकुलर क्वान्टिटी से ऊपर सामान खरीदे तो हम उसमें कुछ डिस्काउंट भी ऑफर करें, तो ये भी आप संभव है। मान लीजिए आपका 10 पीस तक खरीदता है, 10 पीस से कम खरीदता है तो आपका रेट हो गया 5500, कोई डिस्काउंट नहीं। लेकिन 10 से ऊपर कोई भी खरीदता है तो आपका रेट 5500 ही रहेगा और आप इस पर 1% डिस्काउंट देंगे। तो ये सब चीज़ें आप, जैसे नोकिया एनेट है, एनेट के साथ भी आपने कोई कंडीशन रखा है कि अगर आप 10 पीस तक खरीदेंगे तो आप 9000 के रेट से देंगे और 10 पीस से ऊपर कर देंगे तो आपको हम 9000 पे 2% का डिस्काउंट देते हैं। तो हमने सिर्फ दो ही आइटम्स के लिए, नोकिया लुमिया और नोकिया के प्रोडक्ट के लिए लिया। आप जितने चीज़ों के लिए चाहें तो इस तरह का लिस्ट तैयार कर सकते हैं। हम सारे तैयार करने जाएं तो वक्त ज़्यादा लगेगा, तो हमने सिर्फ नोकिया आइटम्स के लिए लिया है, ये ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह से फिर हम लेते हैं डीलर के बाद रिटेलर के लिए। रिटेलर के लिए हमने चुना, यहाँ पे फिर से नोकिया ही चूज करेंगे क्योंकि हमने दे दिया था। रिटेलर के लिए हमने रखा है 10 पीस तक का, अगर आप लेंगे तो आपको 9000 रुपये लगेंगे,
9500 लगेंगे, 10 से ऊपर लेंगे तो आपको 9500 के बाद इसमें 4% की डिस्काउंट मिल जाए। उसी तरह से नोकिया लुमिया के लिए भी हमने ले लिया, 10 पीस तक आप लेंगे तो आपको रेट पड़ेंगे 6000 रुपीज़, 10 पीस से ऊपर उठाएंगे तो आपको 6000 पे हम 2% डिस्काउंट देंगे। उसी तरह से आप कस्टमर के लिए भी रेट ले लीजिए, कस्टमर के लिए आपने रेट कर दिया, नोकिया एनेट के लिए आपने रेट ले लिया, कस्टमर्स के लिए भी आपने अगर 10 पीस तक लेंगे, आप अपने हिसाब से यहाँ पे रेट और ये डिसाइड कर सकते हैं 9200। 10 पीस से ऊपर कस्टमर भी लेंगे तो हम उनको 9000 में बेचेंगे, ये हमने डिसाइड किया, कोई डिस्काउंट नहीं, डायरेक्ट 9000 बेचेंगे। उसी तरह से नोकिया लुमिया के साथ भी करते हैं, 10 पीस तक लेंगे तो इसका रेट है हमारा 6500 रुपये, 10 पीस से ऊपर लेंगे तो 6200 के हिसाब से बेचेंगे। इस तरह से हमने तीनों तरह के कस्टमर्स के लिए रेट सेट कर लिए। अब बस कुछ नहीं करना, आपको वाउचर एंट्री में जाना है और सीधे सेल करना है। सेल करते वक्त आप पार्टी चुन लीजिए, मान लो आप कैश में सेल करते हैं, कैश में सेल करते हैं तो आपको बताना है कौन है, तो कस्टमर आया है ख़रीदने, कस्टमर चुन लीजिए, सेल्स में जाइए। हमने लिस्ट बनाया है केवल नोकिया के आइटम के लिए, इसलिए नोकिया पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। नोकिया एनेट हमारे पास यस 10 पीस है, हम इसमें से 5 पीस बेचते हैं, देखिए उसका रेट अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ से आप अल्टर नहीं कर सकते, अपने आप अपीयर हो जाएगा। 11 पीस लेते हैं तो 11 पीस तो है ही नहीं, देखिए उसका रेट 9000 आ गया, देख रहे हैं। फिर से एक बार, 5 पीस के लिए 9200 और 10 पीस के लिए 9000, तो कितना आसानी से आएगा। इस तरह से मान लो आपने 2 पीस इनको सेल कर दिया, वापस फिर हम आते हैं सेल्स में। इस बार हम पार्टी ले लेते हैं, सोना इनपुट है, कैसे क्रेडिट किसी में। अब ये कौन है भाई, तो ये हमारे डीलर हैं, इनको सेल करिए, देखिए आप इनको नोकिया लुमिया सेल कर दीजिए 5 पीस, देखिए आपके पास रेट आ जाएगा। तो ये आपकी फैसिलिटी है अगर आप प्राइस लेवल के साथ या लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके पास सारे आइटम्स के लिए अलग अलग टाइप के कस्टमर को ध्यान रख के रेट सेट कर देने की सुविधा है, और उसके बाद सिर्फ आप आइटम सेलेक्ट करें और ये सेल होते रहेगा। तो प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट का इस्तेमाल हम लोग सेल्स मैनेजमेंट में करते हैं।